नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के कुल कितने पुराने नोट बैंक में जमा हुए, इसकी ठीक ठीक जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। इस बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जवाब दिया है। अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि पुराने नोटों की गिनती हो रही है और अभी ये नहीं कहा जा सकता कि नोटों की गिनती में कितना समय लगेगा। जेटली ने कहा कि इस काम के लिए आरबीआई ने ज्यादा से ज्यादा मशीनों को लगाया है। गिनती पूरी होते ही वास्तविक राशि का पता चल जाएगा। इतनी बड़ी राशि को गिनने में काफी वक्त लग सकता है, इसलिए हम इसकी समय सीमा तय नहीं कर सकते। नोटबंदी के असर पर जेटली ने कहा कि इसकी वजह से कई लोगों की संपत्ति डूब रही है या जब्त हो रही है। फर्जी कंपनियों, नेताओं की काली कमाई पर भी कार्रवाई हो रही है। हम इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। जीडीपी की धीमी रफ्तार पर जेटली ने कहा कि आर्थिक उतार चढ़ाव जारी है, ये नोटबंदी के कारण नहीं हो रहा है। जीडीपी में गिरावट नोटबंदी के पहले से ही जारी है, ऐसा वैश्विक परिस्थितियों में बदलाव और अन्य कारणों से हो रहा है। इसके लिए नोटबंदी के जिम्मेदार ठहराना गलत है। मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ब्याज दरों में बदलाव होगा। जेटली ने भी कहा है कि इस कटौती के लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और मानसून का पूर्वानुमान भी अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।